तो हेलो गाइस, स्वागत है अनदर वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 जॉम्बी सीरीज। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लो तो आपको स्टोरी ज़्यादा समझ आएगी। पहले उसको देख लेना फिर इसको देखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को लेते हैं शुरू। लेट्स गो भाई। भाई ये कौन है यार? ये कौन है? अरे ये बहुत बहुत अच्छी है भाई, डक वाली। अरे कल ये है कौन? अच्छा जो करके लोग भाई अमल भाई ज़ॉम्बी को डांस कराते हो, गानों कैसा लगा दिया आपने। ओ भाई कते जहर वीडियो बनाते हो आप। क्या जाते हो भाई? अरे यार, अरे भाई और ज़ॉम्बी कब खेल गई? अरे भाई क्या कर रहा है ये? हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, आवाज आ रही है हमारी तुम्हें? हाँ आ रही है, बोलो क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे फिर से जिंदा हो रहे हैं, हमने इनको काफी गोली मारी पर इनको कुछ नहीं हुआ। तुम्हें काम करो, मिसाइल फायर करके पूरी जगह ही उड़ा दो, हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है मैं समझ गया, अभी करता हूँ मिसाइल एक्टिवेट। क्या ही एडिटिंग कर रहे मन भाई, आप लोग बॉस इन्होंने तो काफी सारे ज़ॉम्बीज मार दिए, ये तो अब मिसाइल से भी फायर करने लग गए, पूरी जगह ही उड़ा दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़ॉम्बीज तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अरे कुछ जगह उड़ गई तो उड़ने दो, मेन जगह तो अभी भी बाकी है ना। मतलब कुछ समझा नहीं मैं, दो जगह पे दो ज़ॉम्बी जैसे पेड़ बन रखे हैं, जब तक वो सेफ हैं तब तक ये ज़ॉम्बी जिंदा होते रहेंगे, फिर से इनको कोई नहीं मार पाएगा। अगर उन लोगों ने मिसाइल से वो जगह उड़ा दी फिर वो पेड़ इतना कमज़ोर नहीं है कि मिसाइल से टूट जाए। अच्छा ठीक है, पर जोकर तो वहाँ पे गया हुआ है, अगर उसने अपनी पावर से वो पेड़ तबाह कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम सच में टेंशन बहुत लेते हो, वहाँ पे जोकर के लिए एक बहुत ही तगड़ा ज़ॉम्बी उसका वेट कर रहा है, अगर जोकर उससे फाइट करता है तो उसे जल्दी जीत नहीं पाएगा। अगर उस ज़ॉम्बी का एक अटैक जोकर में पड़ गया तो वो काफी डैमेज हो जाएगा, भले ही वो कितना पावरफुल हो। तब तो बढ़िया है, अब जोकर हर तरफ से फंस गया है, क्योंकि जब तक वो ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाएगा तब तक वो वायरस आसपास के एरिया में और फैल जाएगा। चलो अब समझ में आ गई तुम्हारे बात, और हाँ अब वक्त आ गया है उस जोकर से भी मिलने का। अरे अब आप क्यों मिलने के लिए जा रहे हैं? सारा काम तो हो ही रहा है ना यहाँ पे खड़े खड़े। अरे एक हेलो बोलने में क्या जाता है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओहो, जो पता नहीं आखिर इनके दिमाग में चलता क्या रहता है। ये नुबड़ा, ये वाली जगह तो पहले वाले से काफी बड़ी है, शायद यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी काफी ज्यादा होंगे। चलो अब जल्दी से इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। मुझे लगा यहाँ पे ज़ॉम्बीज काफी सारे होंगे इस जगह के हिसाब से, पर यहाँ तो काफी कम है, ढूंढता रहता हूँ उन्हें, शायद और मिल जाए। भाई तू जगह ब्लास्ट कर गया। अरे ये क्या, ये उस पेड़ में से निकला, अभी मैंने इस वाले ज़ॉम्बी को हराया है,
पर ये पहले वाले से काफी तगड़ा है। इसको जल्द से जल्द मारने के लिए मुझे अपनी M4 चाहिए होगी। जाके ढूंढता हूँ जल्दी से, यही कहीं मिल जाएगी। अरे ये क्या, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ये उस पहले वाले से काफी तेज है। ये तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मत करते यार, तो नहीं आता। कहां गया ये? आपने फायर करा होगा। अरे वो रही, आके मुझे M4 मिल ही गई। चलो अब इससे इसको सबक सिखाया जाए। फुल M4 जोकर फॉर्म, लेट गो। ओ भाई अब गया, अब गया ज़ॉम्बी, अब गया। अरे मुझे इसके हाथ से बच के रहना पड़ेगा। साला भाग भी तो इतनी तेज की रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ा मेरा। इसके हाथ पे मार दे कर फिर जरा डर नहीं गया। जब ये शील्ड बनाता है, अरे भाई मैं अभी क्या देगा, इस समझ नहीं ले क्या ये अपने हिसाब से करेंगे। सच में इसने तो मेरी हेल्थ ही कम कर दी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पावरफुल होगा। अरे ये क्या, साले रुक तुझे अभी बताता हूँ। मुझे पता है हमारा हीरो ही जीतने वाला है। फिर भी देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, फाइनली साला आखिर ये खत्म हुआ। इसने नाक में दम करके रख दिया था मेरे, पर अभी भी काम बाकी है। क्योंकि ये उस पेड़ के अंदर से आया था और दोबारा भी आ सकता है, इसलिए मुझे इस पेड़ को पहले खत्म करना पड़ेगा। ये क्या, ये आवाज कैसी? गया वो। फिर से? अबे है कौन सामने आ मेरे? अबे डरपोक साले इधर उधर क्या भाग रहा है? अगर दम है तो सामने आना, फिर बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली मैंने। चलो आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई जोकर। अब तुम कौन हो? तुम्हें तो नहीं जानता मैं। हाँ मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे काफी बिजनेस खराब करे हैं। रेंगल में सभी ड्रग्स के धंधे तुमने ही बंद करवाए हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम उन सभी के मेन लीडर हो। सच बताओ ना, तुम्हें काफी दिन से ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये बाहर मैप से कौन ऑपरेट कर रहा है ये सब बिजनेस। चलो अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। हाँ मिलने के लिए तो आए, करने के लिए भी, क्योंकि रैंगल खराब करे हैं। रैंगल में सभी ड्रग्स के धंधे तुमने ही बंद करवाए हैं मेरे। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम उन सभी के मेन लीडर हो। सच बताओ ना, तुम्हें काफी दिन से ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये बाहर मैप से कौन ऑपरेट कर रहा है ये सब बिजनेस। चलो अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। हाँ मिलने के लिए तो आया ही हूँ, पर थोड़ा बिजनेस करने के लिए भी, क्योंकि रैंगल में ये जो सब चल रहा है इन सबको रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। ओ तो तुम्हारा किया धरा है ये सब। उस बंदे को मेरे पास भेजना, सिर्फ टाइम वेस्ट करना था मेरा, अब समझा मैं। अब जब सब पता चल ही गया तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। इरेंगल में जो कुछ भी हो रहा है ये सब मैं ठीक कर सकता हूँ, पर शर्त ये है कि इरेंगल का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में होना चाहिए, ताकि मैं अपना मन चाहा बिजनेस यहाँ पे कर सकूं और तुम मेरे रास्ते में टांग ना अड़ाओ। अगर तुम्हें इस मैप का मैंने कंट्रोल दे भी दिया तो तुम इसे फिर भी बर्बाद कर ही दोगे। सोच लो, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि कुछ ही समय में ये वायरस पूरे मैप में फैल जाएगा और सभी लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बन जाएंगे या फिर अपने आप को ही मार लेंगे, और तुम उन सबको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिक्र मत करो, मैं अपना मैप संभालना जानता हूँ अच्छे से, और जो तुमने ये सब किया है इसके लिए तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं मैं। अब अच्छा तो फिर से ये नौटंकी चालू, इधर से उधर भागना। काफी स्लो अटैक किया तुमने, मैं तो आराम से बच निकला इससे। अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर ये ले। ओ भाई जोकर ये क्या बात कर दो, ये मेरे को लग रहा है पंच मारेगा। फिर से निकल गया, रहने तो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ओ ओ ओ जोकर उसका ये अटैक काफी अलग था।
मुझे पता था कि तेरे बस की कुछ भी नहीं है, इसलिए इधर उधर भागे जा रहा है। अगर तेरे में दम है तो सामने आके फाइट कर। अब हुई ना कुछ बात। मुझे लगा कि मेरी बात तुम प्यार से समझ जाओगे, पर मैं गलत था। तो इसलिए मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं इतनी देर से कर नहीं रहा था। क्या? जोकर को काट डाला भाई। नहीं, जोकर को काट डाला ब्लेड से। तुम्हें मैंने मौका दिया था मेरी बात मानने का, पर तुमने उसे नजरअंदाज किया और अब देखो कैसे पड़े हुए हो। मैं वैसे जानता हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए मैंने अपने ब्लेड्स तुम्हारे ऊपर कई बार चलाए। वरना एक नॉर्मल इंसान अगर मेरे ब्लेड से छोटा सा भी कट लग जाए उसे, तो वो वहीं पे मर जाता है। मगर तुम्हारा सीन अलग है। खैर छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी अभी बनाऊँ। इसलिए तुम्हें एक मौका और दिया है। जो कुछ भी मैंने कहा उसके बारे में ध्यान से सोचो, और जब फैसला कर लो तो मेरे पास आ जाना। तो बस गाइस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.